क्या? वैसे था संडे का तू क्या करेगा? अरे बाबू मोशाय, इस अंडे को तुमने बिना तोड़े अपने मुंह में रख लिया तो मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा रे। टोनी अंडा तो क्या, 5,000 के लिए पूरा मुर्गा अंदर रख लेगा। अरे पगले, तो फिर अंडा अपने मुंह में ले ले रे। तो अंडा दे दे रे। अरे इस पगले ने तो कमाल कर दिया रे। अंडा मुर्गा छोड़ तेरा तो पोपट हो गया टोनी। अभी मेरे 500 फटी हुई नोट, क्योंकि तू मेरे बिना खर्चा कर ही नहीं पाएगा इसको। हाँ आदि, यू आर सो स्मार्ट। गेट रेडी, गेट रेडी। ओके ओके, भागो। जब पैसे निकाल, पैसे निकाल। 4,000 रुपीस, 2,000 तुम्हारे, 2,000 फॉर अस। निकाल 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 निकाल, 1,000 रुपए दे। 2,000 रुपए, 1,000 रुपए दे। ओके, 1,000 तेरे, 1,000 मेरे। पुलिस स्टॉप हो गई है, वो कोई जनरेटर होगा आनंद बख्शी। अब लग नहीं रहा यार, अलार्म जैसी कोई चीज होगी, देख देख यार। दिख तो नहीं रहा यार कुछ भी। यार ये काम कितने फंसा दिया यार, और मैं वो कोई है? किसका है तुम्हें इंतजार? मैं हूं ना, देख रहा है यार, मैं परेशान हूं, और ये आयो शाहरुख खान बनना यार, ये तू मतलब जस्ट चिल। मैं निकालता हूं, रुको। नहीं तो वाकई में जैसे जैसे कोई नहीं हो जाएगा। जो बोले सुन, कहता है इंडिया में अच्छे लोग नहीं होते। गुड, कमर अपने हाथ दीजिए। हाँ दी, बैग मांग, पहले अपना बैग दीजिए। बैग दे दो जी, दे दो, क्लीन चिट वाले हनुमान जी हैंगे। कौन? ओके। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? D2 ज्यादा हिलोगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएगा। तुमने क्या समझा था कि मैं अलीबाग से आया? ट्रेलर देखती पूरी पिक्चर समझ में आ गई थी। तुम मेरा बैग लोगे और यहाँ से 9 to 11 हो जाओगे। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, मैं सरदार जी को नहीं जानता हूं। ब्रदर जस्ट ट्राई। ब्रदर नहीं, फादर। साले इस लाइन में मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप? ओह, आप ही हमारे जैसे। डील चल रही होगी। आदित्य श्रीवास्तव, यू कैन कॉल मी डिटो। चुप, दूसरा दो। हाय।
वो गया, चल घर चल यार, देख उधर भी नहीं है। अरे आप जा रहे हो? आपने मेरा ग्रिल सैंडविच बना दिया। हेल्प, अगली बार निशाना शिकार पे लगाना, शिकारी को। अरे जस्सी, जस्सी हेल्प। लाइफ में किसी ने हम लोग इतनी धुलाई नहीं की यार। अभी शुक्र कर, एटलीस्ट उन लोग ने हम लोग का रेप तो नहीं किया। अरे रेप तो किस्मत ने किया हम लोग का। अभी अगर हम लोग के पास वो पैसे होते तो हमारे पास क्या क्या नहीं होता यार। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस और माँ, माँ होती, मर्सिडीज बेंज। हाँ मर्सिडीज, जिसमें कबीर बैठा है। ये पक्कर फकीर के पास इतने पैसे कहाँ से आए? इसने भी तो सारे पैसे डोनेट कर दिए थे। इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा ऑफिस। How did कबीर बिकम सो पैसे वाला? वफादारी, ईमानदारी, खुददारी और जिम्मेदारी, इन चारों की साझेदारी से आज कबीर नायक इतने पैसे वाला है। और ये चारों क्वालिटीज मैं तुम चारों में देख चुका हूँ। थैंक यू, थैंक्स। एंड दैट इज व्हाई द फोर ऑफ यू आर हियर। सर ने आप लोगों को हमारे नए मल्टी प्रोजेक्ट वेंचर का चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया है। ये तो कुछ भी नहीं सर, आपको फिक्स सैलरीज के साथ फर्निश्ड अपार्टमेंट्स, और हाँ, सबके पास खुद की पर्सनल गाड़ी भी होगी। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करें? अरे यही मुंह से। देखो, अगर तुम चारों इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो एक दिन मैं तुम चारों को इस कंपनी में पार्टनर बना दूंगा। पार्टनर? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके ओके, कम ऑन। शिट, हम चार टैलेंटेड लोगों के होते हुए ये इन चार चूतों को पार्टनर बना रहे हैं। अरे इन लोगों की जगह तो हम लोगों को होना चाहिए। अगर हम पार्टनर्स बने तो हमारे पास होगी गाड़ी, बंगला, बैंक। हम लोग पार्टनर कैसे बनेंगे? इमोशनल। अच्छा अच्छा, चलो। नक सर, नक। जॉय, जॉय। चमन, बमन, कबाड़ी, आदि यार, तांडो, मानव। हाँ हाँ, वही वही। अरे कैसे हो तुम लोग? हाँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फंडा साफ कर रहे हैं। क्या शौक लगा ना? हम जैसे साफ आगे निकल जाने वाले लोग यहाँ पिछवाड़े के साफ सफाई में कैसे लगे हुए हैं? हौसला रख भाई, हौसला रख, हम होंगे कामयाब। मन में है विश्वास, चाहे कितनी भी हो बात। अब कपास जैसे तकिए में ठूसा हुआ रहता है कपास, वैसे हम चारों के अंदर चार चीजें ठुकी हुई है। ठुकी हुई नहीं है, ठुसी हुई है, ठुसी हुई है। जैसे वफादारी, बाबा ईमानदारी, खुददारी, मक्कारी, मक्कारी नहीं, जिम्मेदारी। एक मिनट, ये तो मैंने कहा था ना, और हमने सुना था खिड़की के बाहर छुपकर। तुमने छुपकर मेरी बातें सुनी और यहाँ ड्रामा कर रहे हो? ड्रामा नहीं, इमोशनल अत्याचार, ताकि तुम वो चार चप्पुओं को छोड़कर हम चारों को पार्टनर बनाओ। हाँ है ना जी? तुम चारों को पार्टनर। यस, गुड आइडिया।
अगर मैं तुम चारों को यहां चपरासी की भी नौकरी दूं ना तो चपरासियों की इंसल्ट हो जाएगी गड़ी फूल्स। सलग कचरे का भी कभी इतना कचरा नहीं हुआ होगा। अभी चाहे कुछ भी हो जाए तेरे पार्टनर तो हम ही बनेंगे कभी। हाँ आदि, नहीं तो मैं दो बाप का और मैं तीन बाप का, मैं चार बाप का, मैं पूरी इंडिया का। तीसरे फ्लोर पे एग्जीबिशन। ये है ही इतनी ऊंची के सिर्फ लग रही है। इस पूरे फ्लोर पे एग्जीबिशन है। पेंटिंग नंबर 301। क्या कितनी बड़ी है? और उसे लेकर तुम्हें पहुंचना है वहां 17 मिनट। पुलिस पीछे होगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा। कितनी पुलिस होगी पीछे? आई मीन रफली। जब भागोगे तो पता चल जाएगा। कोई सिंपलर तरीका नहीं है पता करने का? 11:45। तुम्हें पेंटिंग यहाँ से फेंकनी है और तुम्हारा काम खत्म। समझ गया मैं। उस 30 माले की बिल्डिंग से पेंटिंग चुरा कर भागना है। पीछे कितनी पुलिस होगी मालूम नहीं, कितनी गोलियां चलेंगी पता नहीं, कितनी नाकेबंदी मिलेगी नो आइडिया। बस उस पेंटिंग को चुरा कर यहाँ आना और यहाँ से नीचे पानी में फेंकना है। इतनी बुरी पेंटिंग है क्या? यू आर जीनियस। थैंक यू। 2 करोड़ कैश। पहले बोला था ना डॉक, कितना टाइम वेस्ट हो गया आधा सवाल बनाने में आधा सवाल पूछने में। तो चलें। चलो चलते हैं।